Hi kids, today we are going to learn mapping the world. मतलब आज हम दुनिया के नक्शे के बारे में पढ़ेंगे. In early time, people believed that the earth was flat and because of this belief, no one traveled very far distances. But an European traveler, Ferdinand Magellan, was the first person who traveled around the world. He started his journey in 1519 and returned to the same place in 1522. मतलब पुराने समय के जो लोग होते थे वो ये बिलीव रखते थे, वो ये विश्वास रखते थे कि जो हमारी अर्थ है वो राउंड नहीं, वो फ्लैट है, चपटी है. तो इसी बिलीव के कारण कोई भी बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाता था. लेकिन एक यूरोपियन ट्रैवलर जिसका नाम फर्डिनेंड मैगलन था, वो एक ऐसा पहला इंसान था जिसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, पूरी दुनिया का एक राउंड लगाया. उसने अपनी जर्नी को 1519 में शुरू कर उसी सेम जगह पर आ गया 1522 में जहाँ से उसने शुरू करा था. द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. मोर देन 70% ऑफ द अर्थ सरफेस वॉज कवर्ड बाई वाटर. द अर्थ हैव 7 कॉन्टिनेंट्स एंड 5 ओशंस. कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया. ओशन आर पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, आर्कटिक ओशन एंड एंटार्क्टिक ओशन. अब हम पढ़ेंगे महाद्वीप और महासागरों के बारे में. हमारी जो धरती है उसका जो 70% सरफेस है वो पानी से घिरा हुआ है. तो धरती पर 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशियन होते हैं. कॉन्टिनेंट के नाम है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका और ऑस्ट्रेलिया. और ओशियन के नाम है पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक, आर्कटिक और एंटार्क्टिक ओशियन. द एशिया इज़ द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड द बिगेस्ट ओशन इज़ पैसिफिक ओशन एंड द स्मॉलेस्ट ओशन इज़ आर्कटिक ओशन. मतलब जो एशिया है वो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है. सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है और सबसे छोटा ओशन आर्कटिक ओशन है. फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरी और भी वीडियो देख सकते हो ऊपर आई बटन में क्लिक करके. ग्लोब. The globe is the man-made structure of the earth. It was come from the Latin word called globus, which means round mass or sphere. मतलब जो globe है एक man-made structure है धरती का, जिससे हम धरती को अच्छी तरीके से समझ पाएँ. वो एक लैटिन भाषा से आया है जिसका नाम है globus. उसका मतलब है round mass और sphere, मतलब गोल आकार. Due to its spherical shape, we see only half part of the earth. Also, it cannot be easily carried from one place to another. We can observe the shape, size and location of various continents, countries, oceans and seas. इसके गोल आकार होने के कारण हमें इसका केवल आधा हिस्सा ही दिखता है और ये एक जगह से दूसरी जगह भी कैरी नहीं किया जा सकता. हम इसमें इसका शेप, साइज़ और अलग अलग तरह की लोकेशन जैसे कि कॉन्टिनेंट, कंट्रीज़, ओशन और सीस, इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं, इन्हें पता लगा सकते हैं कि है कैसे. मैप. अ मैप इज़ द होल ड्राइंग ऑफ अर्थ. मैप कैन शो द होल वर्ल्ड, कॉन्टिनेंट, कंट्रीज़ एंड इवन अवर नेबरहुड्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैप्स, पॉलिटिकल्स एंड फिजिकल्स. नक्शा. नक्शे में पूरी धरती की एक चित्रकारी होती है. नक्शा पूरी धरती में कॉन्टिनेंट, कंट्रीज़ और इवन हमारे नेबरहुड भी बताता है. यहाँ पे दो तरह के नक्शे होते हैं, पॉलिटिकल नक्शा और फिजिकल नक्शा. फिजिकल मैप. दीज मैप शो द फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ. फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ओशंस एक्सेट्रा. दे यूज different color to depict different features. For example, mountain in brown color, ocean in blue color, etc. मतलब जो physical map होता है ये map हमें धरती के physical features के बारे में बताते हैं, जैसे कि पहाड़, पठार, महासागर और भी. और ये अलग अलग तरह के colors use करते हैं अलग अलग तरह के features को बताने के लिए, जैसे कि पहाड़ brown color में दिखाते हैं, महासागर ब्लू कलर में दिखाते हैं और भी इसमें कलर यूज़ करे जाते हैं अलग अलग तरह के फीचर्स को बताने के लिए. पॉलिटिकल मैप्स. दीज मैप्स शो द बाउंड्री ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज. दीज मैप्स शो द पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ द वर्ल्ड और कॉन्टिनेंट. पॉलिटिकल मैप. ये नक्शे हमें
अलग अलग कॉन्टिनेंट और कंट्रीज़ की बाउंड्रीज दिखाते हैं। ये अलग अलग पॉलिटिकल डिवीज़न दिखाते हैं दुनिया की या कॉन्टिनेंट की। फ्रेंड्स, अगर आपको जर्मिनेशन के ऊपर कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। लैंग्वेज ऑफ मैप्स। अ मैप इज़ टू स्मॉल टू शो ऑल द डिटेल्स इन द मैप्स। So the maps use the different colors, sign and symbols, and this is called the language of maps. For example, blue color is used to depict water bodies, yellow color is used for depict hill, plateau and urban area. They also use sign and symbols. All the sign and symbol depict the same meaning all over the world and are called international symbols. Nakshe ki bhasha. एक नक्शा बहुत ही छोटा होता है सारी डिटेल्स बताने के लिए, तो इसीलिए नक्शों में कलर, साइन और सिंबल का यूज़ किया जाता है, उसी को नक्शे की भाषा कहते हैं। जैसे कि ब्लू कलर ओशन या वाटर बॉडीज़ को दर्शाता है, येलो कलर हिल, प्लेटियो या अर्बन एरिया को दर्शाता था। ये साइन और सिंबल का भी यूज़ करते हैं। ये साइन और सिंबल हर जगह सेम मीनिंग बताते हैं, इन्हें इसीलिए इंटरनेशनल सिंबल भी कहते हैं। ये कुछ इंटरनेशनल सिंबल हैं मैप के जो मैप में यूज़ किए जाते हैं। स्केल। ग्लोब्स एंड मैप्स आर टू स्मॉल टू शो द एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, फिजिकल फीचर, लैंड मासेस, वाटर बॉडीज एसेट्रा। To depict physical entities, scales are used. A map scale is the ratio or distance between two place to the actual ground distance. For example, 1 cm ratio 100 km means 1 cm part of the scale shows the 100 km. अब हम पढ़ेंगे स्केल के ऊपर। स्केल क्या होता है? ग्लोब और मैप बहुत ही छोटे होते हैं सारी चीज़ों के एक्चुअल साइज बताने के लिए, तो स्केल्स इसीलिए यूज़ किए जाते हैं कि आप दो जगहों के डिस्टेंस के बारे में बता सको। जैसे कि दो जगह का डिस्टेंस 1 cm है, जिसका मतलब है 100 km। इसका मतलब अगर मैप में कहीं पे भी 1 cm लिखा होगा तो उसका मतलब है 100 km। थैंक यू फॉर वॉचिंग चिल्ड्रेन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और अगर आपको हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करिए।